ध्यान से सुनना रहस्य गहरा, मैं धीरे से खोल रही हूँ, कानों से नहीं दिल से सुना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। नमस्कार, मैं अखिला नोबल आप सभी को पूरी सातवीं कक्षा की ओर से 14 सितंबर हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। हिंदी हमारी दिल की भाषा, हिंदी हमारी रोजगार का मार्ग, हिंदी आपस में जोड़ने का एक संपर्क सूत्र, हिंदी एक ऐसी जुबान जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे देश को एक धागे में पिरोती है। नमस्कार, मैं स्टीफन रजी आप सभी को हिंदी दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश की माता की बिंदी है, ये मजबूरी की भाषा नहीं, गौरव और आत्मसम्मान की भाषा है। आइए हिंदी दिवस कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर के अनुग्रह से हम करेंगे। एक सुंदर प्रार्थना नृत्य प्रस्तुत कर रही है श्रद्धा जेनायर और श्रेया जेनायर। संबंधित जानकारी देने के लिए आ रहा है हमारा दोस्त माधव महेश। नमस्कार, मैं माधव महेश 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ विचार प्रस्तुत करना जा रहा हूँ। हर साल 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन यह दिन कैसे बन गया आइए इसे जानें। भारत जब सन 1947 में अंग्रेजों के शासन से आजाद हुआ था तो देश के सामने भाषा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा था। सवाल यह था कि भारत की राष्ट्र का आधिकारिक भाषा कौन सी होगी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का राष्ट्र का आधिकारिक भाषा को तौर पर स्वीकार किया और इसे राजभाषा घोषित किया। इसके बाद 1953 से लेकर हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब हिंदी दिवस इसलिए भी मनाता है कि हिंदी सदियों से हमारी भाषा का भाषा रही है और हमें इस भाषा को सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। हिंदी फिल्म गीत को ना गुनगुनाने वाला कोई भी देशवासी नहीं होगा। बॉलीवुड के ऐसे हजारों फिल्मी गीत हैं जिसका मजा पूरा भारतवासी एक साथ ले लिया है। आइए ऐसा एक सुंदर गीत प्रस्तुत करने आ रही है हमारी प्रिय दोस्त ओविया टसगस्टिन। कब तक होश संभाली कोई
भाषा की वृद्धि उसकी साहित्य से होती है। हिंदी भाषा की समृद्धि में हिंदी साहित्य का बड़ा योगदान है। चलिए हम पता करें कि कुछ ऐसे साहित्यकार के बारे में जो हिंदी भाषा को विश्व की गौरव भाषा बनाने में योगदान दिया। हिंदी साहित्य जगत के कुछ मशहूर साहित्यकार के परिचय देने आ रही है सातवीं कक्षा की हमारी कुछ दोस्त। संत कबीरदास। कबीरदास 15वीं सदी भारतीय महर्षिवादी कवि और संत थे। आपका जन्म सन 1398 में हुए ऐसे मानते हैं। उनका पालन पोषण नीरोनिमा नामक जुलाहे दंपति ने किया। सहजात निर्विघ्नता उसके काव्य की प्रमुख धुन है। आपकी वाणी में समाज सुधार की भावना मुखरित है। कबीर वाणी के डिक्टेटर रहे, वे बड़े दार्शनिक कवि थे। कबीर की रचना बीजक नाम के संगलित है। उनके तीन फाक है, सादी सबद रमैनी। गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्तिकार की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। आपका जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ। तुलसीदास अपना रचना रामचरितमानस के लिए अधिक प्रसिद्ध है। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता खुशीदा। गुरु नरहरिदास तुलसीदास जी के गुरु थे। आपकी प्रमुख रचनाएं है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि। धन्यवाद। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म सन 1492 में उत्तर प्रदेश के जायस गांव में हुआ। ये भक्तिकाल के सूफी शाखा के प्रमुख कवि हैं। जायसी जी प्रेमांगी कवि थे। आपकी प्रमुख रचना है पद्मावत, जो एक महाकाव्य है। प्रमुख रचनाएं पद्मावत, अखिरावट, अखिरी कलाम आदि। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में काशी में हुआ। आप चायवाद के प्रमुख कवि थे। कामायनी प्रसाद जी का महत्वपूर्ण महाकवि है। वेदों और उपनिषदों में उनके विशेष ध्यान था। साहित्य के अनेक विधाओं में उन्होंने लेखन कार्य किया। प्रसाद जी का प्रमुख रचनाओं में काव्य, चरना, आमसु, लहर, नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, उपन्यास, तितली, कंकाल। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्रियों में से एक है। आपका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों में से एक है। आप आधुनिक मीरा के नाम से भी जानी जाती है। सन 1982 में आपका यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा ने हिंदी कविता में कोमल शब्दावली को विकास किया। प्रमुख रचनाएं कविता संग्रह निहार रेशमी दीपशिखा, रेखा चित्र, अदीत के चलचित्र, संस्मरण, पद के साथी, मेरा परिवार, कहानी गिलो। हिंदी के कहानी संग्रह प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में उत्तर प्रदेश के लाहे गांव में हुआ। उनका असली नाम धनपत राय था। आप शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। बाद में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से आवश्यक होकर नौकरी छोड़ दी। बाद में पूर्ण रूप से साहित्यकार बने। अनिश्चित कार्यकाल जीवन का चित्र
प्रेमचंद के दिन नाम में देखने को मिलता है। गोदान प्रेमचंद की प्रमुख उपन्यास है। इसमें किसानों की दुर्दशा का चित्रण मार्मिक रूप से हुआ है। उनका प्रमुख उपन्यास है गोदान, गर्भन, सेवा सदन, कर्मभूमि आदि। उनका प्रमुख कहानी है गड़बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, कफन आदि। अब इस कार्यक्रम के बेहतरीन विशेष बिंदु यानी कि एक बेहतरीन नृत्यकार आपके सामने बिखरने आ रहे हैं हमारी प्रतिभाशाली सखियां। मंच पर है मिली सेना और संत। आइए इस नृत्य का लुत्फ उठे। छोड़ा है जमाना, जरा तेरा इरादा तो बता। ऐसे नजर तो मुझसे चुराना, जरा तेरा इरादा तो बता। छाया है मुझ पे तेरा ही नशा, कमबख्त दिल ये कहाँ जा फंसा। मैं तेरी दीवानी, तू मेरा दीवाना, समझ ले नजर का इशारा। चुने वाली आने कविताएं हिंदी साहित्य में है। इस तरह की एक मार्मिक कविता को प्रस्तुत करने आ रही है हमारी प्रिय दोस्त वृंदा मनु। नमस्कार, शस्त्र उतारो द्रौपदी, आप कृष्ण ना आएंगी। पुष्पमित्र उपाध्याय। छोड़ो मेगंदी, खटक संभालो, अपना जीर बचा लो। शतरथ पीछाए बेटे शकुनी, शतरथ पीछाए बेटे शकुनी, मस्तर मस्तर सब भीग जाएंगे। सुनो द्रौपदी, सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब कृष्ण ना आएंगे। इस युग में कृष्ण का इंतजार।
करनी होगी। आंसू से नहीं, आंसू से नहीं, अंगारों से अपनी आंखें भरनी होगी। कृष्ण के वेश में दुशासन, कृष्ण के वेश में दुशासन खालेगार बैठा है, जिनसे आशा है तुमको, जिनसे आशा है तुमको, ईमान बीच कर बैठा है। लज्जाहीनों की ये सभा, लज्जाहीनों की ये सभा, लाज यहाँ ना बच सकती। शस्त्र उठा लो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो द्रौपदी, नहीं और कुछ कर सकते इस कलयुग में। इस कलयुग में द्रौपदी नहीं, दुर्गा का अवतार लेना होगा। जो गलत करता है तुम्हें उसे सही जवाब देना होगा। अब दुशासनों को मत छोड़ो, अब दुशासनों को मत छोड़ो, तभी सबके समझ में आएगी। सुनो द्रौपदी, सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब कृष्ण ना आएंगे। सुनो द्रौपदी, सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब कृष्ण ना आएंगे। धन्यवाद। हिंदी ठीक रूप से न जानकर क्या आप किसी दुविधा में पड़े थे? हमारे कुछ दोस्तों के पास इस तरह के मजेदार अनुभव अधिक है। देखिए उसे ऐसा कौन सा अनुभव मिले थे। मंच पर है रॉबिन रोशन और साथिया। बाये मूड എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടത്തോട്ട് തിരിയാൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ വായെ മൂഡ് അയ്യോ വായെ മൂഡ് അല്ല ബായെ മൂഡ് നോക്കൂ നോക്കൂ ആ വിദ്വാമാഷ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ പറയൂ വായ മൂടെന്ന് പറഞ്ഞ ആന എങ്ങനെ വാ മൂടി നിന്ന പിന്നെ ഡോക്ടറെ വിളിക്കാൻ നടക്കണ്ടേ മൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലത്തോട്ട് തിരിയുക പറയൂ 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 ആകെച്ചല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് നടക്കുക പീച്ചേച്ചല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറകോട്ട് നടക്കുക എന്തോ വിധമാഷേ പീച്ചേച്ചൽ അതന്നെ പിടിച്ചേ നിന്റെ വേല എന്റെ അടുക്ക വേണ്ട കുടിക്കാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു തരാലോ മാഷ് ഇനി എന്ത് ചോദിക്കണെങ്കിലും ഹിന്ദിയിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വേഗം ഹിന്ദി പഠിക്കാലോ ഏക് ഗ്ലാസ് പാനി പിലാവോ ഏക് പന്നി അയ്യോ ഏക് ഗ്ലാസ് പാനി ലാവോ പന്നിയല്ല പത്നി മാത്രമല്ല ഏക് പത്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാര്യ എന്നാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വേറെയും ഭാര്യമാരുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം വരും എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നതിന് മേരാ പത്നി എന്ന് പറയണം എന്റെ പൊന്നു വിദ്വാമാഷ് അത് ഇങ്ങനെ സ്വഭാവ ആനയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാലത്തെ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മാഷേ ഈ വിവരമില്ലാത്തവൾ എന്നുള്ളതിന് ഹിന്ദിയിൽ എന്താ പറയാ ഉല്ലുക്കപ്പട്ട വിദ്വാമാഷെ ദുഷ്ടൻ എന്നുള്ളതിന് ഹിന്ദിയിൽ എങ്ങനെയാ പറയാ ദേശഭക്തി ഗീത് ഐസാ ഗീത് ഹേ ജിസ്മേ രാഷ്ട്രഭാവന കാ രസ് निहित गए प्राय देश पर विकट समस्याओं माने पर या राष्ट्रीय सुधारों के लिए इन गीतों का प्रयोग किया जाता इससे देशवासियों में राष्ट्र भावना जागृत होती है एक शानदार देशभक्त गीत को प्रस्तुत करने आ रही है एंजल रोज और साथिया आइए इस गीतों का मसाले तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की वंदे
सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमारे छात्रों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। आइए उसका नतीजा देखें। प्रतियोगिता क्या आपको पता है किड्डीज विभाग प्रथम स्थान नीलन बोबिन कक्षा 2। अदरक आलू लहसुन प्याज पत्ता। द्वितीय स्थान आवणी जिनेश कक्षा 2। तृतीय स्थान स्टालिन माइकल कक्षा 1। अनंतलक्ष्मी के आर कक्षा 1। हल्दी दाल पानी। एलपी विभाग प्रथम स्थान सिंधिया माइकल कक्षा 4। द्वितीय स्थान रयोना डी रोशन कक्षा 4। तृतीय स्थान देविका दीपू कक्षा 4। दुर्गा मनोज कक्षा 3। पोस्टर निर्माण यूपी विभाग प्रथम स्थान मीनाक्षी राजेश कक्षा 7। द्वितीय स्थान अनुग्रहा टोजो कक्षा 7। तृतीय स्थान विनोद के शाजी कक्षा 5। मन की बात हाईस्कूल विभाग प्रथम स्थान रजत चांडी अगस्टिन कक्षा 9। मैं के साथ एक तस्वीर लेना चाहते थे लेकिन हमें उनके साथ एक तस्वीर लेने का मौका। द्वितीय स्थान अल्फोंस जोस कक्षा 9। अनावाले बहुत साफ सुथरा था और मैं जिस क्षेत्र में गया था वहाँ खिलौने के साथ। तृतीय स्थान रविचंद एम कक्षा 9। ऊपर से देखकर पेड़ उद्यान सब छोटे छोटे बिंदु जैसे दिखाई देते थे। तृतीय स्थान आदित्य के जी कक्षा 9। आयोजनों को वापस बसकेगा पढ़ रहा था तब हमारा स्कूल हायर सेकेंडरी विभाग प्रथम स्थान अमल जेकब अगस्टीन कक्षा
प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन डचेस ऑफ कैम्ब्रिज सिंगापुर आए थे। द्वितीय स्थान अलन साबू कक्षा 12। छात्र के लिए हमें कक्षा की परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कोरोना ने सब उल्टा पलटा कर दिया। सभी विजेताओं को हार्दिक बधाइयां। भारत ने हरिचंद्र ने कहा कि निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति का मूल। जी हाँ, हिंदी भाषा की उन्नति भारत की उन्नति ही है। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और हिंदी का सौरभ आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। हिंदी की खुशबू से अक्षरों की बगिया भाग रही है। हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हमारी राजभाषा हिंदी पूरी दुनिया में पूरे सम्मान के साथ गढ़ी हो सके। इसके लिए हम शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए, शुद्ध हिंदी लिखनी चाहिए और अच्छे हिंदी शब्दों को प्रयोग करनी चाहिए। आप सभी को एक बार फिर हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देकर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।